एक लड़की जिसकी बस इतनी सी गलती थी कि वो फ्री फोटोशूट के जाल में फंस गई, और ये जाल किस कदर इस लड़की की लाइफ तबाह कर देगा उसे देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आजकल के हफ्सी दरिंदों से बचने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कैटी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अमेरिका से न्यूयॉर्क एक मॉडल बनने आई थी, लेकिन इस टाइम इसकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग फेज चल रहा है क्योंकि न्यूयॉर्क में इसको काफी महीने हो गए थे और अभी तक इसके पास मॉडलिंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी। अब अपना गुजारा चलाने के लिए इसने एक रेस्टोरेंट में एज अ वेटर काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम केटी के पास ये थी कि उसको अपना मॉडलिंग पोर्टफोलियो अपडेट कराना था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक अच्छे से फोटोग्राफर से अपना पोर्टफोलियो बनवा ले क्योंकि उसकी फीस ये इस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन एक दिन इसको अपने रेस्टोरेंट के नोटिस बोर्ड पे फ्री फोटो शूट का एक नोटिस दिखता है तो वो मन ही मन खुश होकर उसका नंबर ले लेती है। अब जॉब खत्म करने के बाद जब ये अपने फ्लैट पे जा रही थी तो इसे इसका पड़ोसी मिल जाता है। देखने से तो ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अभी तक इन दोनों ने एक दूसरे को ये बात कन्फेस नहीं की। अब कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद वो उस नंबर पे कॉल करती है जो उसने नोटिस बोर्ड से लिया था। अब बात वगैरह होने के बाद उसके फोन पे एक एड्रेस आता है जहाँ पे इसको अपना फ्री का फोटो शूट करवाने जाना था, तो ये लड़की बिना सोचे समझे उस एड्रेस पे चली जाती है। अब वहाँ पे इवान नाम का एक फोटोग्राफर बिकनी मॉडल का फोटो शूट कर रहा था। जब वो केटी को देखता है तो वो इशारे से अपनी मॉडल को अंदर जाने का इशारा करता है और फिर केटी को ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है। अब केटी भी अपनी ड्रेस चेंज करके अपनी काफी सारी फोटोज क्लिक करवाती है। अब थोड़ी देर बाद इवान केटी से बोलता है कि अब तुम्हारा नेक्स्ट शूट बिकनी में होगा, इसलिए जल्दी से बिकनी पहन लो। अब सुन के केटी उस पे भड़क जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं करवाना कोई फोटोशूट वगैरह, तुम लोग जल्दी से मेरी सारी फोटोज डिलीट कर दो। अब इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब 2 घंटे बाद केटी के घर की डोरबेल बजती है। जब वो गेट खोल के देखती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि बाहर इवान का छोटा भाई जॉर्ज खड़ा था। वो केटी को एक पेन ड्राइव दे के बोलता है कि मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ, इस पेन ड्राइव में तुम्हारी आज की फोटोशूट की तस्वीरें हैं और हमने अपने कंप्यूटर से तुम्हारी सारी फोटोज डिलीट कर दी। अब कैटी उसके हाथ से पेन ड्राइव ले लेती है क्योंकि उसका तो फ्री में एक अच्छा खासा फोटो शूट हो गया था। अब पेन ड्राइव दे के जॉर्ज वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज अपने कंप्यूटर में केटी की आज की तस्वीरें देख रहा है, जिसका मतलब था कि उसने केटी की तस्वीरें डिलीट नहीं की थी। वहीं दूसरी साइड केटी भी अपने रूम में सोने चली जाती है, लेकिन देर रात उसको महसूस होता है कि उसके रूम में कोई मौजूद है। जब वो लाइट जला के देखती है तो उसकी फटके 4 हो जाती है क्योंकि जॉर्ज अपने कैमरे से उसकी तस्वीरें खींच रहा था। अब केटी समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है तो वो चिल्लाती हुई घर के मेन गेट की तरफ भागती है, लेकिन पीछे से जॉर्ज आके उसको जमीन पे पटक देता है और फिर उसके हाथ पैर बांध के उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है। लेकिन केटी के चिल्लाने की आवाज उसका पड़ोसी सुन लेता है तो वो जल्दी से भागता हुआ उसके घर में आ जाता है। जब वो केटी के हाथ पैर बंधे हुए देखता है तो वो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जॉर्ज पीछे से आके उसके पेट में खंजर भोंक देता है और फिर लगातार बिना रुके उस पे हमला करने लगता है, जिसकी वजह से वो बेचारा पड़ोसी अपना दम तोड़ देता है। अब जॉर्ज बिना टाइम वेस्ट किए उस लड़की के करीब आके उसके साथ गलत काम करना स्टार्ट कर देता है। अब 30 सेकंड बाद जब उसका काम खत्म हो जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो वो जल्दी से अपने भाइयों को कॉल करके बुलाता है। अब थोड़ी देर बाद इवान और निकोलस यहाँ आ जाते हैं। भाइयों की सूची में इवान सबसे बड़ा था, उसके बाद जॉर्ज और फिर आखिरी में निकोलस था। अब यहाँ का नजारा देखने के बाद ये लोग जॉर्ज को डांटने की बजाय इस घर से जॉर्ज की फिंगरप्रिंट्स मिटाने लगते हैं और फिर इवान जॉर्ज से पूछता है कि मजे लेते टाइम क्या तुमने अपना सिर किसके अंदर छोड़ा था। जॉर्ज हाँ में अपना सिर हिला देता है। ये सुन के इवान एक गहरी सांस लेता है और फिर एक गोली केटी को जबरदस्ती खिला देता है। गाइज, आगे की वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल की रौनक बढ़ा दो। जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि निकोलस उसके ऊपर चढ़ के उसके साथ गलत काम कर रहा है। तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है और वो निकोलस को हटा के बोलता है, ओए छोटे कुछ तो अपने बाप के लिए छोड़ दे। वहीं दूसरी साइड केटी काफी प्यासी थी तो वो इन लोगों से पानी मांगती है, जिसपे निकोलस केटी के पास आके उसे अपने पेशाब से नहला देता है। फिर थोड़ी देर बाद इवान केटी के पास आके उसके फेस पे घूसे मारने लगता है। अब ये सब चीज देख के तो यही लगता है कि इन लोगों के
अंदर से इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है और ये लोग केटी को एक ऑब्जेक्ट समझ के जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे। अब रूम से बाहर जाते हुए इवान जॉर्ज से बोलता है कि इसको अच्छे से तैयार करो, पिताजी आने वाले हैं। अब ये सुन के जॉर्ज पहले तो केटी को पानी से नहलाता है और फिर उसको एक ड्रेस पहनाता है, लेकिन जॉर्ज इस टाइम रूम में बिल्कुल अकेला था, तो इसी चीज का फायदा उठा के केटी बाल्टी से जॉर्ज के सिर पे हमला कर देती है और फिर रूम में लगी हुई विंडो से बाहर निकल के भाग जाती है। अब रोड पे आके ये लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन ये चीज बहुत शॉकिंग थी कि वहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, जिसका मतलब था कि वो लोग केटी को किसी और देश में ले आए हैं। लेकिन काफी देर बाद लकीली इसको एक औरत मिलती है जिसको इंग्लिश आती थी। अब केटी उसको अभी तक की सारी घटना बता देती है और बोलती है कि मुझे अमेरिकन एम्बेसी ले चलो। तो ये औरत जिसका नाम एना था वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। अब एम्बेसी जाते हुए एना केटी से बोलती है कि एक काम करो, मेरा घर पास में ही है, पहले तुम कुछ खा पी लो और अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें एम्बेसी छोड़ दूंगी। केटी अपना सिर हिला के हाँ बोल देती है। अब घर पहुँचते ही एना केटी को एक गेट की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। जैसे ही केटी उस रूम में जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये वही रूम है जहाँ उन दरिंदों ने इसको बंदी बना के रखा था। अब पीछे से एना आके बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि एना इवान, जॉर्ज और निकोलस की माँ है। अब ये कह के एना उसे धक्का दे के गिरा देती है। फिर यहाँ पे एंट्री होती है इन बच्चों के बाप की, जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। वो एक इलेक्ट्रिक गन से केटी को ऐसी ऐसी जगह बिजली के झटके देता है जिसे बताने में भी रू कांप रही है। अब काफी टॉर्चर करने के बाद वो उसके साथ गलत हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। फिर जब सबका मन इस लड़की से भर जाता है तो ये आदमी अपने बेटों से बोलता है कि इसे जमीन में जिंदा गाड़ दो। लेकिन अभी तक की कहानी जितनी खौफनाक थी उससे कई ज्यादा सुकून आपको पार्ट टू में मिलेगा, क्योंकि जब ये लड़की यहाँ से निकलेगी तो इसका रिवेंज इतना खतरनाक होगा कि इसकी कल्पना इन्होंने अपने सपनों में भी नहीं की होगी। इसलिए इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करके पार्ट टू को मेरे चैनल पे जाके देख लो।